brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है। किसी ने ये खूब कहा है कि कौन चलाएगा देश ये तय करेगा उत्तर प्रदेश। इसलिए मामला चाहे कुछ भी हो, बात यूपी की जरूर होती है। कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से आते ही एक बयान दे गए। एक रैली को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने दावा कर दिया कि आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, शिवराज, वसुंधरा राजे, मनोहर लाल खट्टर, रमन सिंह की राजनीति मोदी जी ने खत्म कर दी है। अब अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है। अगर चुनाव जीते तो 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरविंद केजरीवाल के इस दावे को लेकर जब इंडिया टुडे के न्यूज डायरेक्टर राहुल कवल ने प्रशांत किशोर से योगी आदित्यनाथ को यूपी लीडरशिप से हटाए जाने का सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए आने वाले समय में सबसे बड़ा चैलेंज यूपी हैंडल करना है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के सेकंड लाइन लीडरशिप में अमित शाह के बाद योगी आदित्यनाथ का नाम आता है। बहरहाल बीजेपी आने वाले 3 से 5 साल में यूपी कैसे हैंडल करती है ये करीब से देखने वाली बात होगी, खासकर उन लोगों के लिए जो राजनीति को करीब से ऑब्जर्व करते हैं। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि उठें और लीडरशिप बदल दें, ये आसान नहीं होता। अरविंद केजरीवाल के शगुफे के बारे में पूछना चाहता हूं आपसे। वो जेल से छूटे, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी को बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है चेंज कर देगी चुनाव के बाद। आपको लगता है कि ये सिर्फ बीजेपी के रैंक्स में कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी के रैंक में किसी के स्टेटमेंट से इतने बड़े मुद्दे पर कोई कन्फ्यूजन हो नहीं सकता है। ये अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं, सब लोग समझते हैं जो सीरियस राजनीति को समझने देखने वाले लोग हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इन चुनाव के बाद रिजल्ट जब अभी आ जाएंगे तो बीजेपी के लिए इंटरनली हैंडलिंग ऑफ यूपी वुड बी वन ऑफ द की चैलेंजेस। मैं इतना ही कहूंगा कि हैंडलिंग ऑफ यूपी वुड बी वन ऑफ द की चैलेंजेस, क्योंकि बीजेपी की जो सेकेंड रंग लीडरशिप है वो उसमें अभी सबसे प्रोमिनेंट चेहरा अमित भाई के बाद योगी जी का है। तो हाउ डू दे हैंडल यूपी is something that people like us will watch closely and I do not want to भैया चेंज होगा या जो स्टेटस को है वो बना रहेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान है कि आप लीडरशिप चेंज उठे और लीडरशिप चेंज हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप सीरियसली इस विषय को समझना चाहते हैं तो मैं, अगर आप बीजेपी की टॉप लीडरशिप हैं या संघ की टॉप लीडरशिप का हिस्सा हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था के हैंडलिंग को अगले 3 से 5 साल में बहुत क्लोजली आपको वॉच करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।